एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारा और आपके इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है पहले का छठा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का छठा क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है। 1 + sin a और बटे में 1 - sin a अंडर रूट के अंदर दिया है, बराबर आपको सिद्ध करना है sec a + tan a के रूप में। तो इसको ऐसा बनाना है, ये दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, LHS, हमने लिया LHS जो दिया था, LHS निकालेंगे। LHS क्या दिया है, तो LHS दिया है 1 + sin a बटे 1 - sin a, ये सवाल का LHS दिया था। सबसे पहली शर्त तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो भी दिया हो सबसे साइन और कोस में चेंज करना। अब यहाँ पे तो साइन और कोस में ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो पहली शर्त तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का काम करते हैं, हल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही करनी दिखे और करनी के अंदर कभी भी संख्या बटे में आए, तो हम सबसे पहला काम करते हर का परिमेयकरण। क्या करते हर का परिमेयकरण, 8.2 में हमने देखा था जब भी बटे में जो संख्या आई थी जिनमें हर में, यानी कि जो नीचे वाला संख्या था हर में या बटे में, उसे हमने क्या देखा, जब भी बटे के अंदर संख्या आई तो हमने हमेशा हर का परिमेयकरण किया था। यहाँ भी सेम कंडीशन है, ऊपर वाली संख्या भी है और नीचे वाली भी, तो अपने को देखना है नीचे वाली संख्या। यहाँ पे हर का परिमेयकरण करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण क्या होगा, 1 + sin a बटे 1 - sin a, ठीक है, ये होता है 1 + sin a बटे 1 - sin a। अब हर का परिमेयकरण करते हैं, जो सवाल दिया था इस वाले का कर रहे हैं, यानी कि हर का परिमेयकरण नीचे वाले का चिन्ह बदलना है। तो यहाँ पे 1 ये माइनस दिया है तो हम लिखेंगे प्लस, बाकी पूरा वही लिखना है साइन है, बटे में क्या आएगा 1 + sin a, जो ऊपर लिखा सेम संख्या हम नीचे भी लिखते हैं। ठीक, आगे क्या करते हैं, इसके बाद इसका इंटू कराते हैं, चलो गुणा कराओ, तो गुणा करवाते हैं। 1 + sin a का गुणा 1 + sin a में करवाओगे तो क्या बनेगा, 1 + sin a का होल वर्ग बटे 1 - sin a और 1 + sin a। मैंने बोला था हर में कभी भी कोई भी संख्या हो, हर का परिमेयकरण जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक का भी वर्ग कर दो माइनस साइन का भी वर्ग कर दो, मतलब दूसरे नंबर वाले का भी वर्ग कर दो। तो हम साइन का भी वर्ग कर देते हैं, ऊपर लिखा हुआ 1 + sin a, क्या लिखा है 1 + sin a का होल स्क्वायर और बटे में लिखा हुआ 1 स्क्वायर - sin का स्क्वायर, तो ऊपर वाले को फिलहाल वही रखते हैं। तो यहाँ पे एक काम करो, दोनों के हर अलग अलग कर दे, सॉरी जो करने लगी हुई है करने को दोनों की अलग अलग कर देते। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + sin a का होल वर्ग, ठीक है, बटे में आते हैं, बटे में क्या दिया है, यहाँ पे बटे में दिया है 1 का स्क्वायर - sin² a, 1 का स्क्वायर - sin² a दिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि मैं यहाँ स्वतः लिख दूं, 1 sin² θ + cos² θ बराबर क्या बनता है 1, और जैसे यहाँ पे साइन को उस साइड भेजना है तो हम साइन को उस तरफ भेज देते, तो यहाँ पे बचेगा cos² θ 1 - sin² θ। तो ये देखो ये वाला सूत्र किसका बन गया, cos² θ का, और ये वही रूप है 1 - sin² θ 1 - sin² θ, यानी कि cos² θ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos² θ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 घात दी गई है, 2 घात से करनी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी 2 घात है तो 2 घात से करनी कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 + sin a और नीचे क्या बचा है cos a, मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा cos a। अब दोनों के बटे में अलग अलग करते हैं, तो 1 - cos a + sin a - cos a, यही बनेगा, साइन ए के बटे में भी क्या आएगा कोस ए, दोनों के बटे में कोस कोस अलग कर दो। 1 - cos क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं पहली प्रश्नावली के अंदर, 1 - cos क्या होता है, ये होता है sec a प्लस साइन बटे कोस क्या होता है, तो साइन बटे कोस होता है tan a, यही तो RHS था और ये हमें लाना था कि यहाँ पे, तो अतः यस डायरेक्ट सीधे लिख दो कि यही RHS, ठीक है, और ये हमारे सवाल का आंसर हुआ जो अपने को सिद्ध करना था। सेकेंड नंबर पे लाना था sec a प्लस tan a, तो हम ले आए sec a प्लस tan a, दोनों ले आए, ठीक है। देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।